सबसे दुखद प्रेम कहानी। एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में जिम और डेला नाम का एक युवा जोड़ा रहता था। वे बहुत प्यार में थे, लेकिन वे बहुत गरीब भी थे और क्रिसमस बस आने ही वाला था। जिम के पास एक विशेष पॉकेट घड़ी थी जो पीढ़ियों से उनके परिवार में थी। ये उसकी सबसे बेशकीमती संपत्ति थी। दूसरी ओर डेला के लंबे सुंदर बाल थे जो उसकी पीठ पर रेशम की नदी की तरह बहते थे। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आया, जिम और डेला एक दूसरे को विशेष उपहार देना चाहते थे, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वे जानते थे कि उन्हें रचनात्मक होना होगा। एक दिन डेला को एक विचार आया। उसने जिम के लिए उपहार खरीदने के लिए एक विग निर्माता को अपने बाल बेचने का फैसला किया। यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि वह अपने बालों से प्यार करती थी, लेकिन वह जिम से और भी अधिक प्यार करती थी। डेला से अनभिज्ञ जिम की भी एक योजना थी। उसने डेला के लिए एक उपहार खरीदने के लिए अपनी बहुमूल्य पॉकेट घड़ी बेची थी जो उसकी सबसे प्रिय चीज थी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपने उपहारों का आदान प्रदान किया। डेला ने जिम को उसकी बहुमूल्य घड़ी के लिए एक सोने की चेन दी। जिम ने डेला को बालों में लगाने के लिए हेयर पिन का एक सुंदर सेट दिया जो उसके लंबे बालों के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि डेला ने उसके लिए घड़ी की चेन खरीदने के लिए अपने सुंदर लंबे बाल बेच दिए। जब उन्होंने अपने उपहारों का आदान प्रदान किया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने एक दूसरे के लिए कितना त्याग किया था। जिम ने डेला के छोटे बाल देखे और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया था, और डेला ने पॉकेट घड़ी की चेन देखी तो उसे जिम के बलिदान का एहसास हुआ, क्योंकि वो घड़ी जिम के जेब में नहीं थी। गले मिलते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए, ये जानते हुए कि उन्होंने जो प्यार बांटा वो सबसे अनमोल उपहार था। और इसलिए जिम और डेला की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्यार सबसे बहुमूल्य उपहार है जो हमारी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू लाने में सक्षम है। उनके उपहार हालांकि अब उस तरह से व्यवहारिक नहीं रहे जैसे वे चाहते थे, वे एक दूसरे के प्रति उनके अपार प्रेम और बलिदान के प्रतीक थे। बहुत बहुत शुक्रिया।